ऑलराइट किसी है कोई क्वेश्चन था तो अब कर सकता है वो। मेरे ख्याल से किसी हैंड रेस भी किया था एक स्टूडेंट ने, तो कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। किसी कोई क्यूरी है? ठीक यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ क्यूरी है तो पूछो, क्यूरीज आर वेलकम। हाँ जी जहरा पूछे, एक क्वेश्चन है आपका। अच्छा हमने हैंड रेस किया तो दूसरा मैं समझा आपका कोई क्वेश्चन है। साथ आप अभी आए हैं तो अभी तक ज्यादा चीजें कवर भी नहीं करी हैं। मैंने जैसे अपना इंट्रोडक्शन कराया है, ठीक है, कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछने की कोशिश करी है जितना हुआ, और अभी जस्ट शीशा का एक ओवरव्यू क्या है, ठीक है, उसी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपना इंट्रो फिर बता दूँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई, कितनी दफा बताऊँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें सब कुछ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, उसका आपको यूआरएल मिल जाएगा। विद इन 1 वीक उस यूआरएल से आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्लाउड मेरे पास जो स्टोरेज है वो सारे उनकी लिमिट खत्म हुई हुई है, तो इस दफा आईडीज भी ज्यादा है तो मुश्किल हो जाएगा कि एक ड्रॉपबॉक्स वगैरह पे इस चीज को मैं देख सकूं। खैर ऑल राइट। अच्छा जी, तो रिलेशनशिप की बात तो हमारी हो गई कि सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली है क्या, ठीक है, और कैसे ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू रन सी शार्प। ठीक है, इन शॉर्ट क्या रिपीट कर दूं, सी शार्प रिलेट्स टू डॉट नेट। इन शॉर्ट मैं एंड में रिपीट कर दूंगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास, वैसे मेरी रूटीन ये है कि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं उसमें प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू पहले रिकैप करता हूं, देन मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसीलिए आप परेशान मत हो, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थ्योरी आज थोड़ी बहुत है, थ्योरी प्लस कोड ही है होगा, अगर थ्योरी का मतलब खाली लिखा हुआ लिखने का मतलब ये है, तो लैब लैब का लैब में ऑब्वियसली जितने भी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होगे उनको हैंड्स ऑन क्लास में भी कर रहे होगे, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर्स, और लैब के अंदर भी लैब का स्केड्यूल आपको अलग से मिला होगा तो उस लैब में वही चीज़ होगी ऑब्वियसली। ऐसे क्लास भी लैब में ही है, अगर जब कैंपस ऑन होगा तो लैब में ही होगी, तो इंशाल्लाह हैंड्स ऑन लैब में ही साथ साथ चीजें कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं मिला? अच्छा चलो मैं पूछ लूंगा, अगर कुछ होगा तो मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में, परेशान मत रहना आप। ठीक है, अभी रिलैक्स रहें। ठीक है, अच्छा LMS ही नहीं खुल रहा आपका, ठीक है, खैर कोई मसला नहीं, मैं उससे कर दूंगा शेयर। ऑल राइट, खैर जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, बेसिकली इस कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, या आप सब रूटीन्स कह लें, या आप कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज कह लें, ठीक है, तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोल पर्पज है डॉट नेट फ्रेमवर्क का वो यही है कि आपको एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड करे जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकें, जो कि आपकी डॉट नेट फ्रेमवर्क ओरिएंटेड है, जैसे सी शार्प है, ASP.NET है, ठीक है,
ये सारे जितनी भी डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आप रन कर सकें। ठीक है, लैब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मे बी कोई और पढ़ाएंगे, मुझे खुद नहीं पता इसका। मैं कंफर्म अगर हो सका तो मैं कोशिश करके बता दूंगा, वरना आप लोग खुद वो एक्नॉलेज कर देंगे कैंपस वाले। ठीक है, उसके लिए अभी फिलहाल परेशान मत हो, अभी क्लास ले रहे हो उसको तो उसको कोशिश करो फोकस हो गए लो, फिर लैब का जब होगा तो उसमें भी देख लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उससे उसके साथ उसकी जो कुछ फीचर्स हैं जिसको वो इंश्योर करता है, ठीक है, या जो आपको फीचर्स है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें वन इज सिक्योरिटी, लेकिन सेकेंड इज प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी एंड थर्ड इज अ कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडल। सिक्योरिटी क्या है कि जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्टेड, ठीक है, उनकी जो एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप उससे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, या प्री बिल्ड सिक्योरिटी उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आप इस सिक्योरिटी से मतलब ये नहीं है कि ये सिक्योरिटी ऐसी है कि जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, हर सिक्योरिटी ब्रेकेबल होती है, मतलब जितनी भी आप सिक्योरिटी अप्लाई कर लें उसका कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होता है जिससे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जितनी सिक्योरिटी एक स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकती है एक ओएस के फ्रेमवर्क के अंदर, वो उन्होंने अप्लाई करके आपको प्री बिल्ट आपको दी हुई है, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी मीन्स कि आपका जो भी प्रोग्राम है आप वो एक दफा लिखे हैं तो आप डॉट नेट सपोर्टेबल फ्रेम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जितनी भी डिवाइसेज हैं उनके ऊपर आप रन कर सकते हैं, इवन वो कोई गैजेट हो, इवन वो डेस्कटॉप सिस्टम हो, इवन वो कोई पीओएस सिस्टम हो। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम हो जो भी डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर आपका जो भी आप कोड लिखेंगे सी शार्प का वो आपका रन हो सकता है। कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडल इज का यही मतलब है कि आप वन टाइम कोड लिखते हैं और वो मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर रन हो सकता है। ठीक है, इसका जो स्लोगन है जिसे जावा का स्लोगन है राइट वंस रन एवरीवेयर, तो डॉट नेट का भी स्लोगन यही है कि जहां भी डॉट नेट की सपोर्ट है अगर डॉट नेट एनवायरमेंट उसमें है तो राइट वंस रन एवरीवेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, इवन वो हार्डवेयर हो, इवन वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर हो या इवन वेबसाइट हो, तो आप एक दफा अपना कोड लिख के हर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेट इज द ब्यूटी ऑफ सी शार्प एंड जावा। ठीक है, इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की यही अच्छी बात है कि आप इनकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, पोर्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा जो सी शार्प के प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, ठीक है, सी एल आर जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के लिए जितने भी आपके जो सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन सब की जो मैनेजमेंट की जो यूटिलिटी है या जो काम है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सुपरवाइज कर रहा होता है। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ योर सिस्टम मैनेजर। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट रन हो रही हैं आपके ओएस के ऊपर उसको ये देख रहा होता है। इसी तरीके से जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, ठीक है, सी एल आर जो है, इसी की वजह से आपकी पोर्टेबिलिटी और जो सिक्योर एग्जीक्यूशन है ये अचीवेबल है। वरना अगर आपका कॉमन लैंग्वेज एक इंटरफेस ना बने तो आप पोर्टेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब अगेन रिपीट कर देता हूँ, यही बात है कि आप एक दफा कोड लिखें और डिफरेंट जहाँ जहाँ उस एनवायरनमेंट वो प्रोवाइडेड है उसको उस एनवायरनमेंट के ऊपर आप उस चीज को रन कर सकें, डेट इज द कोर विजन ऑफ पोर्टेबिलिटी। और सेकेंड थिंग, डॉट नेट की जो लाइब्रेरीज हैं जिस तरीके से हम कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक सिंपल एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिख के चेक करेंगे, उसमें सिंपल इनपुट आउटपुट है। ठीक है, तो उसमें भी अगर आप स्क्रीन के ऊपर कोई चीज दिखानी है, कोई चीज रीड करनी है मेमोरी से, कोई चीज राइट करानी है मेमोरी में, तो सारा जो काम होता है वो डॉट नेट की जो क्लास लाइब्रेरीज हैं वो आपके लिए कर रही होती है। तो इन शॉर्ट, तो आपकी जो सी शार्प लैंग्वेज है, ठीक है, वो हर सी शार्प का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली डॉट नेट एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड है और डॉट नेट फ्रेमवर्क की वो क्लास लाइब्रेरी को यूज कर रहा होता है। इसीलिए जब आपने अपना प्रोग्राम फर्स्ट लिखा होगा, जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर सी शार्प पढ़ी होगी तो यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ आपने यूज किया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इम्पोर्ट तो होता नहीं है, इम्पोर्ट का कीवर्ड नहीं होता, यूजिंग का कीवर्ड होता है। जब आप कोई
लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना चाहते हैं या कोई यूटिलिटी को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो यूजिंग system.io या system करके आप जो भी लाइब्रेरी है .NET की, उसको आप बेसिकली एक्सेस कर रहे होते हैं। या अगर आपने खुद कोई लाइब्रेरी बनाई है तो आप उसको भी यूजिंग करके इस तरीके से आप फर्दर एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे इन फ्यूचर जब हम आगे जब प्रोग्रामिंग जब हमारे प्रोग्राम्स थोड़े बड़े होने लगेंगे, फिर उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिकली इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट जो बेसिकली पिलर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं .NET का कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे, और उसमें उसके बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह, हम हर चीज़ कवर करेंगे। तो डोंट टेक टेंशन भाई, रिलैक्स हो जाए, सब चीज़ पढ़ेंगे आप। सही है, ऑल राइट। हाउ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वर्क्स, जो हम कह रहे हैं CLR जिसकी हमने बात करी, वो कैसे काम करता है? तो जो भी हम C# के अंदर कोड लिखते हैं, तो जब वो कंपाइल होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक फाइल है बेसिकली .NET के अंदर MSIL, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या करती है, उसका पर्पज क्या है कि आपका जो भी प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, उसको एक स्पेशल टाइप के सूडो कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और उस सूडो कोड को कन्वर्ट करके फिर CPU अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करके आपके उसको देती है, सिस्टम को देती है, जो कि जावा बाइट कोड बन जाता है। जावा बाइट कोड बेसिकली आपका मशीन लैंग्वेज ही, आप समझ लें। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। वैसे तो ये वन लेयर अबव है मशीन उसके मशीन लैंग्वेज के, लेकिन इसको भी नियर टू मशीन लैंग्वेज ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप जब आप अगर असेंबली लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोग आउटलाइन में है, जब मैंने बैचलर्स किया था तो मैंने पढ़ी थी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो भी कोड कर रहे होते हैं वो हम प्रोसेसर लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। अभी हम जितने भी C# में कोड करते हैं, जावा में कोड करते हैं, पाइथन में कोड करते हैं, वो सारा कंपाइलर लेवल के ऊपर या इंटरप्रेटर लेवल के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, या कंपाइलर इंटरप्रेटर जो हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो प्रोसेसर लेवल के ऊपर नहीं होता, उससे पहले बीच में कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी इंटरफेस या थर्ड पार्टी कोई टूल होता है, उस वो बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा होता है। और उसके बाद जो आपका हमारा जो सिस्टम है, जो आपका कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेस यूज होता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डायरेक्ट जो भी कोड रन लिखते हैं वो डायरेक्ट इंटरप्रेट होकर आपका प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा होता है। इसीलिए जो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है वो सुपर फास्ट होता है, हालांकि वो कोड लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत अजीब सा सेंटेक्स होता है। अगर अगर आप लोग कभी देखना चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी प्रोग्राम लिखना हो तो वो भी 10 से 15 लाइनों का होता है। ठीक है, तो अगेन लिखना उसे मुश्किल है, लेकिन स्टार्ट करना उसे मतलब उसके एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेहतर है, सिक्योरिटी उसकी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑल राइट। कोई मसला नहीं, अगर लेट भी कनेक्ट किया है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो रिकॉर्डेड सेशन आप देख लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, खैर, तो जो आपका CLR है, CLR बेसिकली क्या करता है, जो भी आप C# के अंदर प्रोग्राम का जब कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के बीच में डिफरेंस पता है आपको, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, इसका आइडिया है कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आप सबको मतलब सबको पता है, अगर नहीं पता तो बता दें मैं उसको ताकि रिविजिट कर दूं। नहीं पता, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। ठीक है, खैर मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, जब भी आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड होती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल्ड होती हैं। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है बेसिक, कि जो आपका इंटरप्रेटर होता है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो लैंग्वेजेस जो होती हैं उनका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिखी हुई है, हाउ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वर्क्स, ठीक है, और हाउ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वर्क्स, ठीक है। तो अगर ये एक लाइन मेरा इंटरप्रेटर फॉर एग्जाम्पल रन कर रहा होगा, एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने किसी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में, ऐसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में की एग्जाम्पल में पाइथन है, PHP है और सी है और असेंबली है, ये सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, और कंपाइल लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है तो थोड़ा सा टाइम उसका जो रनिंग का होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के। खैर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम को अगर जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा वो हाउ द कॉमन लाइन रन टाइम लैंग्वेजेस वर्क, एक दफ़ा इसको रीड करेगा, अगर इस पूरी लाइन में कोई एरर नहीं होगा, सिंटेक्टिकल एरर और लॉजिकल एरर दोनों में से कोई भी एरर नहीं होगा, सिंटेक्टिकल एरर को बेसिकली चेक करेगा कंपाइलर, तो सिंटेक्टिकल को तो बात हम लोग ह्यूमंस को चेक करते हैं। बाय द वे सिंटेक्टिकल एरर और लॉजिकल एरर के डिफरेंस पता है? सिंटेक्टिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है? ठीक है, सबको पता है, चलें अच्छी बात है। तो जो हमारा कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा वो सिंटेक्टिकल एरर तो चेक करता है, कर सकता है, लेकिन लॉजिकल एरर चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो खैर, तो सिंटेक्टिकल एरर अगर इस पूरी लाइन में नहीं होगा और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है मेरी, तो वो इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद या रन कर एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फिर एक्स वाई जेड पे, इस तरीके लाइन बाय लाइन को रीड करेगी। जबकि जो हमारा कंपाइलर होगा, ठीक है, या कंपाइल्ड लैंग्वेज है जिस तरह सी शार्प है, जावा है, सी प्लस प्लस है, ये जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, ये क्या करेंगी, इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ पूरे को एग्जीक्यूट करेंगी और जहां जहां पे एरर होंगे उन पॉइंट्स को बता देंगी कि इन इन पॉइंट्स के ऊपर या इस लाइन के इस इंडेक्स के ऊपर आपका एरर आ रहा है, तो फिर आप उस लाइन के ऊपर उस इंडेक्स पे जाके उस एरर को सही कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कोर डिफरेंस है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में भी डिफरेंस साथ ही मैंने बता दिया कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है और ये एट वन इंस्टेंस एक साथ आपका पूरा का पूरा कोड को एग्जीक्यूट करके उसमें से एरर जो होते हैं सिंटेक्टिकल वो सारे आपको फाइंड करके जो कमांड लाइन है उसके ऊपर शो कर देता है। तो जब हम सी शार्प के अंदर कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट, तो जब हम सी शार्प के ऊपर कोई भी प्रोग्राम जब हम सी शार्प का कंपाइल करते हैं तो उसको एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए हमारे पास एक इंटरमीडिएट लाइब्रेरी होती है या एक फाइल होती है, ठीक है, जिसका नाम MSIL है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, जिसको बोला जाता है। तो MSLI के बेसिकली अंदर क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली जो कि CPU के लिए या जो हमारा प्रोसेसर लेवल के ऊपर कोड को कन्वर्ट करेगी। तो MSLI क्या करती है कि वो जावा बाइट कोड की तरह, जैसे जावा के अंदर जावा बाइट कोड होता है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप कंफ्यूज मत हो, सिंपली ये क्या करेगा कि आपके कोड को लेगा असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो मशीन लैंग्वेज कोड बेसिकली आपके कॉमन रन टाइम लैंग्वेज रन टाइम के पास जाएगा और वो फिर कंपाइल हो जाएगा यूजिंग JIT, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप कि जो एक स्क्रिप्ट होती है जो आपको सामने बजाहिर लग रहा होता है कि बस मैंने क्लिक किया स्टार्ट के बटन के ऊपर या एग्जीक्यूट के बटन के ऊपर आ गई, तो उसके बैक पे बेसिकली ये वर्किंग हो रही होती है, और उसके लिए जो डिफरेंट बेसिकली लाइब्रेरीज या डिफरेंट सब रूटीन्स आपका जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो यूज कर रहा होता है .NET, और ये सारी सारी .NET फ्रेमवर्क की होती है अगेन, क्योंकि हम जो सी शार्प है वो .NET फ्रेमवर्क को यूज करती है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम कोई चीज कंफ्यूजिंग हो कोई चीज क्लियर ना हो, या तो क्लियर है सब कुछ, किसी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, कोई चीज क्लियर ना हो या कोई चीज कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी, मैनेज वर्सेस अनमैनेज कोड, बेसिकली जो आपका सी शार्प का जितने भी कोड होता है, जितना भी आप सी शार्प का कोड लिखते हैं वो ऑलरेडी मैनेज होता है,
मैनेज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑलरेडी वो फाइल्स के अंदर होता है, उन फाइल्स के एक्स्ट्रा जो भी आपका प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप जो भी फाइल्स होती हैं उनको रख रहे होते हैं, उन फाइल के अंदर फिर आप कोड कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो आपका सी शार्प के जितने भी कोड हैं वो ऑलरेडी मैनेज कोड होते हैं, ठीक है। अनमैनेज कोड अगेन जो आपके अलग से स्टैंड अलोन लाइब्रेरीज या स्टैंड अलोन जो आपकी यूटिलिटीज होती हैं वो अनमैनेज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो अनमैनेज कोड होता है जितना भी, ठीक है, वो कॉमन रन टाइम लैंग्वेज रन टाइम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो मैनेज कोड को ही जो आपका सी एल आर है वो बेसिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसीलिए तो ये बेसिकली इसकी ऑथेंटिकेशन है कि आप, क्योंकि सीशा का जो कोड होता है वो सी एल आर सपोर्टेड होता है, तो इस वजह से जो सीशा का कोड होता है वो ऑलरेडी मैनेज कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ये अगेन ये बेसिकली सिंटैक्स वगैरह की जो वो है उनको चेक करता है, ठीक है, जितने भी आपके मैनेज कोड हैं, ठीक है, सी एल आर से ताकि उसके बेनिफिट ले सकें, उसके लिए एक और यूटिलिटी होती है जिसको कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सी एल एस बोलते हैं, ठीक है। ये सी एल एस ब्लॉस वाली सी एल एस नहीं है, ब्लू क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है जो कि एक फीचर है डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेजेस का, जिसके थ्रू आप बेसिकली अगर आपने सी शार्प के अंदर कोड लिखा हुआ है तो अगर डॉट नेट कंपेटेबल दूसरी कोई लैंग्वेज है तो उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप कॉमन लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसकी एट द कोर जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो उसकी मैकेनिज्म सेम है, इस वजह से आप उस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करने से लास्ट रिपीट कर दूँ। अच्छा, लास्ट में ये बोला कि द कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या करता है, जो आपके जितने भी मैनेज कोड है, हमें मैनेज कोड पता चल गया कि जो हमारा सी शार्प का जितना भी कोड है वो मैनेज कोड होता है, ठीक है, तो उस मैनेज कोड को अगर हमें दूसरी किसी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए भी डॉट नेट के अंदर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के नाम से एक यूटिलिटी है, जो कि अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि डॉट नेट कंपेटेबल है, ठीक है, तो उसके साथ आप अपना सी शार्प का कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सी शार्प का कोड है तो डॉट नेट सपोर्टेबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिंपली एग्जीक्यूट हो सकता है, डेट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क, कि आप जितनी भी सपोर्टेबल वो है मैकेनिज्म से उन पर रन कर सकते हैं। सिमिलर बिहेवियर जावा का भी होता है वैसे, बाय द वे, कि जितने भी ऐसी डिवाइसेस जिनके ऊपर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट डेवलप हो सकता है या स्टेब्लिश हो सकता है, आप उसके ऊपर जावा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जावा का और इसका स्लोगन है राइट वंस, सी शार्प का राइट वंस रन एवरीवेयर, आप एक दफा रन कर लें तो जहां भी आपका कंपेटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है वहां पे आप इसको इंटीग्रेट करके रन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ, ठीक है। एक सिंपल हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ आउटलाइन में भी मैं कोई चीज और ऐसी मिस ना कर रहा हूँ, ठीक है, कि अब मैं चाह रहा हूँ ऊप मैं नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करूँ, क्योंकि आज की क्लास वैसी टाइमिंग थोड़ी अप डाउन हो गई है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नहीं ले सके हों तो उनका ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक सी शार्प का सिंटैक्स जैसे तो आप देख चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको एक रिकैप हो जाएगा, ठीक है। डॉट नेट फिडेल है, इसमें आप सी शार्प ऑनलाइन रन कर सकते हैं। मैं कल इसी के ऊपर हेलो पाकिस्तान चेक कर रहा था, उसने मेरी कैश किया हुआ है तो इसलिए हेलो पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको ये तो सिंपल एक मैसेज है, ये कंसोल एप्लीकेशन है जो कि आप लोग रन कर चुके हैं, इसमें देखने की चीज़ है कंपाइलर वो है डॉट नेट कोर 4.7.2, कंसोल एप्लीकेशन है, स्क्रिप्ट है, एमवीसी है, नेंसी है, ये डिफरेंट टाइप्स है। अभी हम फिलहाल कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, अगर स्क्रिप्ट बेस करूंगा
ये इसको चेंज कर देगा, ठीक है, और स्क्रिप्ट बेस पे आ जाएगा, ठीक है। ऑटो रन करनी है नहीं करनी तो उसको देखेगा, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्क्रिप्ट वाली चीज़ को। एमबीसी को भी अभी फिलहाल छोड़ दें, एमबीसी क्या होता है, लैंग्वेज हमारी वीबी है, एफ शार्प है, और वीबी डॉट नेट और सी शार्प है, तो सी शार्प के ऊपर ही हम फिलहाल काम करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, तो हम सी शार्प को ही फोकस करेंगे। ऑटो रन हमने भी ऑफ किया हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना होगा तो खुद रन कर लेंगे। तो कोई भी कमेंट हो, मैसेज हो, तो आप सिंपल सी शार्प के अंदर लिखने के लिए जो प्रोसीजर है वो है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और कंसोल डॉट रीड लाइन से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूं और इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा? बिल्कुल, उबैद ने बता दिया। पढ़कर अपने पास सेव पढ़ लेगा, मैसेज प्रिंट होगा। चले मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ, वैसे क्या करेगा देख लेते हैं। एरर आ गया, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी? रीड लाइन कैपिटल आएगा ना, एल ओ। एल कैपिटल, मेरे ख्याल से तो स्मॉल ही था इतना मुझे याद है। नो ओवरलोडिंग फॉर मेथड, रीड लाइन टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गया, वो एरर ये आ रहा है कि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, तो उसने मुझे एक एरर दे दिया कि जो आपका रीड लाइन का जो मेथड है, ठीक है, वो एक ही आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट और मेथड आप लोग समझते हैं क्या होता है? मेथड क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, ये पता है? जवाब दे दें, नहीं पता तो भी, पता है तो भी, हाँ काफी देर बाद जवाब आता है। खैर, बेसिकली ये जो रीड लाइन है ये बेसिकली आपका एक मेथड है, ठीक है, और इस मेथड का जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट बेसिकली वो वैल्यू होती है जिस जो के उस मेथड को रन करने के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो रीड लाइन का जो मेथड है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे कोई आपका आप इनपुट ले रहे होंगे यूजर से, ठीक है, जबकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने कोई इनपुट लेने के बजाय यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया, ठीक है, इस वजह से ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अगर मैं इसको मिटाऊं तो ये इनपुट ले लेगा, आई होप, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ करा हुआ तो नहीं है, खैर उसके बाद खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि अगर मैंने कुछ प्रिंट कराया होता तो फिर ये कर देता, ठीक है, या इसको इनपुट लेके मैं किसी वेरिएबल में सेव करा के कुछ और करना चाहता हूँ कर लेता, ठीक है। तो ये यूजिंग जो है ये एक रिकैप है, आप लोग वैसे इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो ये यूजिंग सिस्टम जो है बेसिकली यूजिंग से जो सिस्टम है, सिस्टम बेसिकली आपकी यूटिलिटी है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये रीड लाइन और राइट लाइन की डेफिनेशन स्पेसिफाई हुई भी है, ठीक है। तो आपने उसे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के लिए सी शार्प के अंदर यूजिंग का कीवर्ड है, ठीक है। एक हमने क्लास बनाई, ठीक है, प्रोग्राम के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर एक मेथड बनाया हमने, ठीक है, जिसकी जिस मेन के नाम से, और जिसमें हम खाली सिंपल एक जो भी एक यूजर आएगा और एक नंबर या कुछ भी वो एंटर कर सकता है, एक करेक्टर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लास क्या होती है, कुछ आइडिया है क्लास क्या होती है? अगर आप लोगों ने सी शार्प जब कंसोल एप्लीकेशन बनाई थी उसमें क्लासेस यूज करी थी, मतलब क्लास का इंट्रोडक्शन दिया गया था, मतलब आइडिया है क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है? क्लास बताई थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बताया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास, मेथड क्या होता है क्लास का, मेथड्स पढ़े थे कंप्लीट, ठीक है, और क्लासेस का भी ओवरव्यू लिया होगा आई होप।
जस्ट ओवरव्यू लिया था, ठीक है चले स्टार्ट कर लेते हैं. क्लास बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ बकेट, ठीक है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली आपकी क्लास की कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई इंस्टेंस होती है. इसीलिए ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन नॉर्मली कही जाती है और बताई जाती है तो वो ये होती है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है. और इंस्टेंस का मतलब ये कि उसके ही एक उसका एक पार्ट होता है कोई एक, ठीक है. और हर ऑब्जेक्ट के या हर मेथड की जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, उसके उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर होता है. तो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के ऊपर हमारा मेथड बेसिकली डिपेंडेंट होता है कि हमारा जब ये मेथड रन होगा तो उसको रन होने के लिए एक तो क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, और उसको रन होने के बाद उसका बिहेवियर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने कंसोल डॉट रीड लाइन करा, ठीक है, तो रीड लाइन का जो मेथड है, ठीक है, इसका बिहेवियर क्या है कि ये एक इनपुट लेगा, ठीक है, बस, और इसका कोई और बिहेवियर नहीं है, ठीक है. इसी तरह अभी मेन के अंदर हमने, क्योंकि और कुछ मेथड के अंदर कुछ और हमने स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है, तो अभी फिलहाल इसकी जो 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 बिहेवियर है वो बेसिकली रीड लाइन ही है, ठीक है. इसकी एग्जांपल यू भी दी जाती है, फॉर एग्जांपल कार, ठीक है, या एक बाइसाइकिल है, ठीक है. तो कार का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार की जो प्रॉपर्टी क्या है कि कार का कलर क्या है, फॉर एग्जांपल रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है. और इसी तरीके से कार की फर्दर प्रॉपर्टी है कि स्टीयरिंग है, फॉर एग्जांपल. और प्रॉपर्टीज और क्या हो सकती हैं कि जो स्टीयरिंग है वो सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है. ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो एबीएस सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम है. तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज से बेसिकली जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उसकी आप ये कह सकते हैं कि वो उसका जो यूजेज है वो आइडेंटिफाई होता है आसान लफ्जों में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार तो एक हमें पता चल गया एक सॉलिड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब कार के अंदर व्हील्स भी होते हैं, व्हील्स के साथ कार के ऊपर कोई ना कोई कलर भी होता है, उसके अंदर विंडोज भी होती हैं और स्टीयरिंग भी होता है. लेकिन स्टीयरिंग स्पेसिफिकली किस टाइप का है, कलर किस टाइप का है, व्हील्स किस टाइप के हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज से बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. तो जो हमारी क्लास होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार एक क्लास है अगर, ठीक है, तो उस क्लास का कार की क्लास की जो व्हील है, स्टीयरिंग है, ये सारी चीजें ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं. और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी कि व्हील किस टाइप का है, कलर किस टाइप का है, व्हील फॉर एग्जाम्पल किस टाइप के रेडियल है, नॉर्मल है, वट एवर एग्जाम्पल के तौर पर दिए. तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हुए इस तरीके से आपकी क्लास फिर ग्रो करती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल की क्लास ले लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैट की क्लास ले लें. तो कैट है, अब कैट में कैट की प्रॉपर्टी क्या होगी, कैट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एक मेथड है क्लास के अंदर, ठीक है. और उस मेथड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पर्शियन कैट है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है. इस तरीके से कोई और जो उसकी होती है ब्रीड होती है वो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्शियन ही याद आ रही है, पर्शियन पंच होती है एक, फॉर एग्जाम्पल, तो पर्शियन पंच है तो उसकी एक और ये प्रॉपर्टी है. इस तरीके से आप बेसिकली हर मेथड और ऑब्जेक्ट की बेसिकली प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करते हैं और उससे आपका मेथड बेसिकली या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड होता है. और उससे ही आप फिर फर्दर जो प्रोग्राम है, जब अगर आप उसको रीड करते हैं तो या थर्ड पर्सन रीड करते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि एक्चुअली जो प्रोग्राम है इससे हो क्या रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉलिड चीज की बात तो हो रही है, लेकिन उस सॉलिड चीज की जिसकी बात हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या है. तो फीचर्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है या जो पूरी चीज है उसके लिए आपके पास सिंपली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट्स को और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप मेथड्स बनाते हैं, और मेथड्स के थ्रू आप क्लास को डिफाइन करते हैं, और इसी तरीके से आप जितनी भी आपको क्लासेस बनानी हो आप क्लासेस को बना सकते हैं, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है या कोई चीज
कंफ्यूजिंग है, अगर कोई कंफ्यूजिंग है तो पूछ लें, कुछ चीज अगर समझ नहीं आई हो। एक्चुअली ये चीज मैं ड्रॉ करके बना के दिखाता तो ज्यादा बेहतर था, मेरे पास असल में स्टाइलिस भी नहीं है और माउस से कर्सर से इतनी अच्छी ड्रॉ होगी नहीं, तो बोर्ड के ऊपर तो ये चीज इजीली हो जाती। तो अभी फिलहाल गुजारा करें, 15 तक दुआ करें आप लोग भी, अगर खुल जाए तो कैंपस, तो फिर ऑन कैंपस में ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। खैर वो आगे बढ़ते हैं ये सेशन, वैसे सेशन में भी कुछ 2-3 मिनट ही रह गए, ये भी सेशन एंड होने वाला है। ये चाह रहा था इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, तो एक सिंपल काम ये कर लेते हैं हम लोग, तो हम नेक्स्ट में ही शुरू करेंगे, इसको बंद कर दें। जो आपने वेरिएबल्स वगैरह जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको यूज करते हुए ही थोड़ी सी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सबके पास नेट तो होगा और डिवाइसेस, अगर लैपटॉप है तो उसके ऊपर .NET Fiddle के ऊपर मैं कुछ एक्टिविटीज दे देता हूँ, वन बाय वन वो एक्टिविटीज कर लेते हैं, उससे एक थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा सा एक रिकैप हो जाएगा आपके जो कोडिंग का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि आपने स्टार्टिंग में बनाया होगा, एक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग C#, ठीक है। एक ही फिलहाल अलग अलग आप मेथड्स बना रहे तो ज्यादा बेहतर है अगर आप बना सकें, नहीं बनाना खुद है, इंटरनेट की हेल्प ना लें अभी शुरू है, ठीक है, खुद बनाने की कोशिश करें। एडिशन का एक मेथड होगा फॉर एग्जांपल पब्लिक पब्लिक स्टैटिक एडिशन, इसी के पब्लिक स्टैटिक सबट्रैक्शन, पब्लिक स्टैटिक या पब्लिक स्टैटिक भी ना हो, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, और उन जो मेथड्स हैं उनके अंदर क्या कर लें, सिंपल उसके 2 आर्ग्यूमेंट्स रख लें, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आपको पता है, पता रिवाइज भी कर दिया और पता भी दिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक आर्ग्यूमेंट रख दूं इंटीजर ए, इंटीजर इंटीजर बी, ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। अब मैंने इसको, क्योंकि इसका कोई मैंने ऑब्जेक्ट कहीं मैंने इसको कॉल ही नहीं किया था, तो इस वजह से इसने फिलहाल कोई एरर नहीं दिया और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसका इसका इसको मेथड में कॉल करूंगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। की तरह उसकी तरह पाइथन की तरह लिखता हूँ, रिटर्न अ टाइप, ओके ओके, मैंने रिटर्न कुछ नहीं करवाया, ए और बी को मैंने कहीं स्पेसिफाई नहीं करा हुआ, तो उसको भी पहले करा देता हूँ, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल पैरामीटर में, ए कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन स्कोप, के अंदर तो मजे से हो जाता है ये, अब इसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। प्रोग्राम मैनेजर void returns a keyword, void हटा देता हूँ, सॉरी basically convert and a b to end, type a b identify expected b could be found, you are missing